नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि केस, 23 को अंतिम बहस। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में दंगल जारी। सिद्धारमैया पर सहमति, लेकिन डीके शिवकुमार कोई पद न लेने पर अड़े, इसलिए ऐलान अटका। अडानी की जाँच 3 महीने में करे सेबी सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर सब्सिडी घटी, 5,000 रुपये तक महंगा हुआ। मेतेई को ST में शामिल करने का आदेश गलत। भारत की मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 4 स्थान की उछाल। पाकिस्तान में फिर इमरान को घेरने की तैयारी। पंजाब सरकार बोली, इमरान के यहां 40 आतंकी, इन्हें सौंपो। उत्तरी इटली में बाढ़ के कारण 8 लोगों की मौत। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास के केस में बरी, पर रिहाई नहीं होगी। बाइडेन ने रद्द किया ऑस्ट्रेलिया दौरा, क्वाड बैठक भी रद्द हुई। पीएम आज दिखाएंगे पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। ममता की मजबूरी है कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के चलते TMC दबाव में। सीरिया भूकंप में 100 दिन बाद मलबे से निकली जिंदगी। नेपाल की खुली सीमा गेहूं तस्करी का सेफ जोन बनी, सख्ती बेअसर। बांसवाड़ा में युवतियों को नाबालिग बता बालिका गृह भेजा, नहीं माने युवक तो फंसाया। सुप्रीम कोर्ट ने खराब हेयर कट पर मॉडल को हर्जाना देने का आदेश करा रद्द। चीन में कॉमेडियन को आर्मी पर मजाक पड़ा भारी, देना होगा 16 करोड़ रुपए का जुर्माना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।